15 days we've been trying to do this and these buggers are not letting me go inside. Shoots and all the stuff happening and green screens, God only knows. We've been doing IT and telecommunication for a long time, but this is completely new. Absolutely for the first time, but it's a great experience. You know, the team's really working hard for getting this out. And some of our boys are really good actors. I think I've got Amir Khan in the making, at least for sure. Lakhan Kal can actually beat them out. So thank you very much for this. Thanks. कोविड ने पूरी दुनिया बदल दी। कोरोना के बाद में पूरी दुनिया भर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। लोगों ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। ऐसे में बहुत सारे बिजनेस में भी बहुत फ़र्क पड़ा है इस वजह से, और हमारे बिजनेस में भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम पूरे साल में बहुत सारे एड फिल्म प्रोडक्शन कॉर्पोरेट फिल्म बना रहे थे, वो चीज़ें नहीं हुई थी आफ्टर कोविड। ऐसे में जो एक, क्योंकि हम एक इवेंट भी करते हैं, इवेंट कंपनी जो बड़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उनको हम कवरेज करते हैं। इवेंट कंपनी जो हैं, जो बड़ी इवेंट कंपनीज थी इंडिया की, वो उनके पास इवेंट ही नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनी इवेंट नहीं करवा रही है। आफ्टर कोविड क्या था कि बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल होने लग गई थी। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्कूल्स वर्चुअल हैं, हॉस्पिटल्स वर्चुअल हैं, डॉक्टर्स वर्चुअल हैं। तो रीडिफाइन जो अवाया के इवेंट करती है, उन्होंने हमसे कहा कि हम वर्चुअल इवेंट करते हैं अवाया का। तो देखिए, छोटा इवेंट करते हैं, कोई दो तीन लोगों को लेकर आना होता है, स्टूडियो लाए हमने कर लिया, बड़ा इजी होता है। अवाया के में एक टास्क था बड़ा कि उनके हिंदुस्तान के हर कितने सिटीज़ में उनके लोग हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पार्टनर्स हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना था। इवन दुबई को, दुबई जो उनके बैठते हैं लोग, दुबई के लोगों को भी उसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आना था। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी, उनको ट्रांजिशन कैसे करना है उनमें, तो ये एक बड़ा ही मुश्किल चीज़ें थी। और सबसे बड़ी जो मुश्किल चीज़ें थी वो ये थी कि स्क्रिप्ट जो है हमारे पास जिस दिन आई, उस दिन से हमारी मीटर चार घड़ी चालू थी, टिक 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 स्टॉप वॉच चालू हो गया था, क्योंकि हमें 7 दिन के अंदर शूट करके, एडिटिंग करके और डिलीवर करना है। 7 से 8 घंटे का इवेंट हमें 7 to 8 days में डिलीवर करना है। वो अलग बात है कि 7 दिन में नहीं कर पाए थे, 12-13 दिन लग गए थे हमें, लेकिन हमने वो टास्क दिमाग में यही था कि हमें 7 दिन में करना है। हमने शुरुआत की दिल्ली से, क्योंकि उनके MD जो हैं विशाल अग्रवाल, वो दिल्ली बैठते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हम लोग इवेंट करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, शूट करते हैं, तो हमारे दिमाग में विजुलाइजेशन होता है हर चीज़ का, कि हम लोग ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, उसको पता होता है कि डबल रोल दिखाना या आपने किसी साथ के आर्टिस्ट से बात करना जो आपके साथ है नहीं, वो मुंबई में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको बात यहाँ करनी है और वो साथ में खड़े भी नहीं हैं आपके, और उनसे बात करनी है आपको, तो ये मुश्किल होता है। तो अब IT वाले लोगों को या फिर सेल्स वाले लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि आपके साथ जो बैठे हुए वो हैं आपके साथ, जबकि वो है नहीं? हमारे लिए तो ईजी है, लेकिन उनके लिए मुश्किल था। विशाल अग्रवाल जो है वो कई लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने पार्टनर्स को, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनको लेकर आ रहे थे। उनके दुबई के बॉस बैठते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करना है, तो उनको ये बताना होता है कि स्क्रीन राइट पे है कि लेफ्ट पे है। पहले वाला शॉट आपका राइट का था कि लेफ्ट का था? तो ऐसे करके हमने उनका शूट किया। काफ़ी टाइम लगा हमारे, ऑलमोस्ट 16 to 17 hours का शूट हमारा दिल्ली में हुआ था, सिर्फ 3 लोगों का। देन उसी दिन हमें निकलना था अहमदाबाद क्योंकि इतने लोग थे, वर्क फ्रॉम होम थे, तो वो लोग अलग अलग शहरों में थे। तो हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से सीधे हम अहमदाबाद गए। अहमदाबाद हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया था, क्योंकि उनका 25-30 मिनट का शूट था। फिर क्योंकि छोटे सिटीज़ में क्या होता है कि आपको साउंड प्रूफ स्टूडियोज़ नहीं मिलते हैं, इक्विपमेंट जो हमें चाहिए वो इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें सबको एक स्टेज पे, एक जगह पे लेकर आना। तो लाइट परफेक्ट होनी ज़रूरी है, जो कैमरा हमने यूज़ किया या लेंस यूज़ किया वो वहीं पर वैसे ही वहाँ यूज़ करना है। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें होती है कि आप अहमदाबाद जैसे सिटी में आप सब चीज़ें अरेंज कैसे करोगे? हाय, माय नेम इज राम काशी, आई एम अ को-फाउंडर एट कूपे, एंड हियर टुडे इन अ रिकॉर्डिंग सेशन फॉर द वर्चुअल इवेंट that Avaya is conducting in the month of October. Had just finished the shootout with Redefine and Mihai. Was a pretty pleasant experience. Haven't been introduced to this new novel, Chroma shootout, so I had a phenomenal experience here.
जब लॉकडाउन के बाद में चीज़ें चेंज होने लगी तो सबसे बड़ा एक चेंज जो हमने नोटिस किया वो ये था कि जहाँ पर इवेंट्स या पार्टीज या जो एक रियलिस्टिक होती थी, जहाँ पर इन पर्सन काफ़ी रोल रहता था लोगों का, लोग मिलते थे, बात करते थे, लोग अपने आप आस पास बैठते थे, इंटरेक्ट करते थे, वो एक स्विच कहीं ना कहीं वर्चुअल होने लग गया। तो ये रियल टू वर्चुअल वाला जो स्विच है ये कॉर्पोरेट इवेंट्स में, इनमें भी आने लगा। और ऐसा ही एक कॉर्पोरेट इवेंट हमने अभी रिसेंटली करा है, वो अवाया का। तो ये अवाया का ये प्रोजेक्ट जब हमारे पास आया तो हमारे पास सबसे बड़ा जो एक चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि हमको एक बहुत कम टाइम लिमिट में इतने सारे लोगों का, वो भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को हमको कनेक्ट करना था। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन हमारी जो क्रिएटिव टीम है पूरी, जो एडिटर्स हैं, जो काजल जो एडिटर है हमारी, उसने इसको काफ़ी सीरियसली लिया कि नहीं, हमको संडे को भी आना है तो आना है, हमको लेट नाइट भी काम करना है तो करना है, लेकिन हमें इस एक टाइम लिमिट में हमको वो पूरा प्रोजेक्ट हमको करके देना है। तो ये एक हमारी टीम की ये स्पेशलिटी या हमारी टीम वर्क जो था ये एक बहुत प्लस पॉइंट था हमारा। रीडिफाइन से प्रवीण, रीडिफाइन से संदीप जी हैं, तो सबका एक अपना एक अलग इन्वॉल्वमेंट था, सबका एक इस इवेंट को लेकर एक बहुत पॉजिटिव थॉट था कि इवेंट काफ़ी बड़ा हो, इवेंट काफ़ी बड़े लेवल पर एक लॉन्च हो, जो प्रोडक्ट जो अवाया लॉन्च करना चाहता है वो एक बहुत बड़े और बेहतरीन तरीके से लॉन्च हो। तो इसमें सभी लोग, अवाया की पूरी टीम, रीडिफाइन की पूरी टीम, हमारी मेहाई की पूरी टीम, सब इसमें एक एज ए टीम पूरा हम इसमें लगे हुए थे। से कम टाइम लिमिट में एक इतना बड़ा इवेंट लॉन्च करना, एक इतना बड़ा इवेंट करवाना, ये हमारे लिए एक और चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास इन सब की स्क्रिप्ट्स थी, जो जिसमें कोई पर्सन है कोई दिल्ली में है, अब उस पर्सन को कनेक्ट करना है बैंगलोर, उस पर्सन को कनेक्ट करना है दुबई, उस पर्सन को कनेक्ट करना है लंदन, अब लंदन से कोई जुड़ रहा है हमारे साथ, लंदन से जुड़ के फिर वो दुबई जा रहा है, दुबई से, मतलब ये इतने सारे जगहों को, इतने सारे लोगों को हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही तरीके से, एक बड़े इवेंट पे हमें हम सभी को लाना था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज जो क्रिएटिव लोग होते हैं या जो हमारी फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं स्पेशली, वो लोग इस बात को समझते हैं कि हाँ, एक पर्सन को ही किसी को हमको मुंबई से कनेक्ट करना है तो उसको कैसे कनेक्ट करवाना है। लेकिन वहाँ पर जो टेक्निकल लोग हैं, अब आईटी के लोग हैं या फिर मार्केटिंग के जो लोग हैं, उनको ये समझाना कि आपको मुंबई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये क्यूरोसिटी थी कि मुंबई से कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोगों को, तो वो एक बहुत नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आए। मॉर्निंग में जब हम पहुँचे बेंगलुरु तो बेंगलोर करीब 5-6 लोगों का शूट था, और बेंगलोर कुछ टास्क था, जो मुश्किल जो टास्क था उसमें ये था कि उनके बूथ होते हैं, बूथ जो लगते हैं एग्जीबिशन के अंदर, तो उनके बूथ को इंट्रोड्यूस करना था उनको। अब एक बंदा दो लोगों को एक साथ करना, एक आदमी खड़ा है बेंगलुरु में, एक आदमी खड़ा है मुंबई में, अब पहले उसको मुंबई बेंगलुरु वाले को ये बताना है कि आपके साथ कोई खड़ा है, उससे बात करनी है आपको, उसको देखना है, आपकी आई कॉन्टैक्ट वही होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज वो होना चाहिए कि आपके साथ कोई खड़ा है, जिस बॉडी पे आप खड़े हो, जिस तरह से आप खड़े हो, आपका पोस्चर है वही पोस्चर उनका होगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं है। बेंगलुरु हमने पूरा दिन शूट किया, लेट नाइट की फ्लाइट हमने मुंबई पहुँचे, मुंबई में करीब 5-6 लोगों का शूट था, तो मुंबई वाला जो शूट था वो भी काफ़ी मुश्किल था, मुंबई वाला शूट भी, क्योंकि मुंबई वाले शूट में कई लोगों को जो दिल्ली शूट किया उनको साथ में मुंबई वालों को खड़ा करना है, या फिर बेंगलोर वालों के साथ मुंबई वालों को खड़ा करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। तो पहला टास्क जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए प्रॉब्लम थी लाइट्स को, कि जो लाइट्स हमने यहाँ यूज़ किए वही लाइट्स उसी तरह से उसी लाइट डायरेक्शन में वो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे लाना है हमें, वही कलर होने चाहिए। एक कैमरा तो हम ट्रेवल लेके नहीं जा सकते, तो अलग अलग जगहों से कैमराज ले रहे हैं, अलग कैमरामैन हैं, पूरी टीम बदल जाती है, खाली डायरेक्टर को छोड़ के या क्रिएटिव डायरेक्टर को छोड़ के बाकी पूरी टीम ही नहीं होती है हर जगह पे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। तो मुंबई शूट किया, मुंबई के बाद हमारा शूट था पुणे का सेकेंड डे, तो फिर हम मुंबई से पुणे गए, पुणे हमने शूट किया। पुणे वाले में भी यही था कि एक जो करीब करीब 25 से 30 मिनट का एक पूरा एक था, जो लेडी थी पूनम, उनका एक 30 मिनट के करीब का पूरा स्पीच थी, वो तीन लोगों के साथ मिलकर दे रही, वो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में, जिसमें एक दिल्ली से थे, एक पुणे से थे और एक मुंबई से थे। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क था हमारे लिए, क्योंकि नॉन आर्टिस्ट से काम करवाना मुश्किल काम होता है सबसे पहले, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो
देन हमारा दुबई शूट हुआ, क्योंकि दुबई काफ़ी मुश्किल हो गया था कि दुबई शूट करवाना, क्योंकि उनको ये समझाना था कि हमारा जो शॉट है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ से विशाल अग्रवाल जो MD हैं वो बोलने के बाद वो कैमरा एक तरह से ट्रेवल करता है, क्योंकि हमें ट्रांजिशन दिखाना है वहाँ पर, इंडिया गेट पे खड़े हैं तो इंडिया गेट से ट्रांजिशन देख के हमें ये दिखाना था कि वो सिर्फ दुबई दिख रहा है वहाँ से, और दुबई में जिस विंडो में खड़े हैं वो उस विंडो से कैमरा, क्योंकि पूरा एक वर्चुअली बनाना है हमने पूरा, अगर नई चीज़ बना नहीं सकते, कुछ स्टॉक फुटेज यूज़ की दुबई की या फिर दिल्ली की, कुछ स्टॉक फुटेज ली हमने, और फिर वहाँ से हमने उनके जो दुबई है वो शूट किया हमने। दुबई शूट करने के बाद ये था हमारे लिए कि दुबई से लंदन दिखाना है, तो दुबई जैसे कैमरा जिस तरह से आया था उसी तरह से कैमरे को हमने वापस लंदन, दुबई क्योंकि टाइमिंग में बहुत थोड़ा फ़र्क होता है दुबई और लंदन में, तो हमें टाइम दिखाना था। अब टाइम कैसे दिखाया जाए, क्योंकि अब दिन में चल रहा है कैमरा, आपको वहाँ रात दिखानी है तुरंत ही, क्योंकि रात को, तो ये ट्रांजिशन बड़े मुश्किल से कर दिए हमने, तो ये सब चीज़ें थी। तो ये पूरा एक तरह से ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, दुबई, लंदन, ये हमने सारा शूट किया। रीडिफाइन ने जो स्क्रिप्टिंग करी वो बहुत ही प्लान से की थी उन्होंने, स्क्रिप्टिंग में आई थिंक मुझे लगता है उनको 1-1.5 महीना लग गया था स्क्रिप्ट करने में उनको। तो रीडिफाइन का जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत ही इतनी तरीके से स्मूथ थी कि उसको करना ईजी हो गया था हमारे लिए। It was really good participating in Avaya virtual event, which is one of the largest, probably the technical event which I am seeing actually. It was wonderful that Avaya could attract more people, because you don't have to really travel to multiple cities to attend this event. You don't have to move from your home. So customers and partners can sit from wherever they are, either in their office or home, and then attend this event. So my experience with this event was extremely good, and I look forward to more having participating in more such events. Thank you. This was a great experience that I had during this shoot, and I'd like to thank the team who organized this and did a great professional job during this process. This Avaya virtual platform is a great opportunity for us to connect to enterprises during this difficult time, and we really like to thank Avaya for organizing this platform for us to reach out to more and more customers. हमारा जो शूट था वो सबसे पहले दिल्ली में था, फिर दिल्ली के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई, मुंबई के बाद पुणे, पुणे और दुबई, फिर तो इतनी मल्टीपल लोकेशंस पर शूट करना, वो भी एक 7 डेज के एक बहुत कम टाइम लिमिट में, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दिल्ली का जो हमारा शूट था वो तो फिर भी हमारा इजी गोइंग थोड़ा हो गया, बिकॉज दिल्ली में तो हमारी इन हाउस टीम है, हमारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, हमारे सभी लोग हमारे पास हैं। लेकिन जब बात आई कि अहमदाबाद शूट करना है, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दुबई, इतनी सारी लोकेशंस पर शूट करना है, तो एक बड़ा चैलेंज था कि वहाँ की लोकल जो टीम है, वहाँ जो लोकल पे जो मुंबई के ही लोग हैं उन्हीं को हमें लाना था, बिकॉज बाकी के लोग वहाँ पे आने को कोई रेडी नहीं थे या फिर कोई कहीं माइग्रेट कर चुके थे। तो कोविड के टाइम पर ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन थी। अब हर सिटी में अलग टीम है, तो हर सिटी में एक अलग ब्रीफ जाएगा, तो हमारे लिए एक सभी को एक अलग अलग ब्रीफ देना, बिकॉज पूरे दिन का इवेंट उनको समझाना है, उनको पूरे डे की ब्रीफिंग करनी है कि किस पर्सन से क्या करवाना है, या कोई 2-3 लोग अगर किसी स्टेज पर जुड़े हुए हैं तो 2-3 लोगों को कनेक्ट कैसे करवाना है, बिकॉज एक पर्सन है मुंबई में, एक पर्सन है पुणे में, उनको साथ में कनेक्ट करवाना है, कोई मुंबई में है, दिल्ली में है, पुणे में है, उनको साथ में करवाना है, कुछ बैंगलोर में है, मुंबई में, उनको भी करवाना है, तो उनको प्रॉपर एक हर टीम को एक भी प्रॉपर ब्रीफिंग जानी चाहिए। टू बी वेरी हॉनेस्ट, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस कमिंग हियर, सीइंग सच अ बिग स्टूडियो, राइट, एंड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। टिपिकली वी गेट ऑन टू द स्टेज, टॉक, यू नो, लाइक फ्रॉम द व्हाटएवर वी प्रिपेयर्ड, एंड देन यू नो इट्स ओवर एक्चुअली। But coming here with some days of preparation, and then there is about 10 people, 15 people working with me to get a shot right, to get the content coming out right, it's a great experience, and it's a different experience for me. I've never done it in this particular way, you know, any presentation that I've done so far. So it's great, and thanks to the team for, you know, whatever you've done. Yeah.
कि कोई भी चीज़ हम करते हैं, काम कोई भी करते हैं, तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता उस काम को। बहुत लोगों की टीम होती है, तब जाके कोई काम कंप्लीट होता है। इतने बड़े प्रोजेक्ट जब होते हैं, आप 25-30 लोगों के साथ लेकर आ रहे हो, तो बहुत बड़ी टीम चाहिए आपको। आप स्क्रिप्ट पे काम, बहुत बड़ी टीम चाहिए जो स्क्रिप्ट को समझ सके। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट थी, और वो भी खाली वो लोग कर रहे हैं जो नॉन आर्टिस्ट लोग हैं। स्क्रिप्ट लिखने वाले भी वही लोग थे, क्योंकि वो ग्राउंड इवेंट करते हैं। ग्राउंड इवेंट में उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि ग्राउंड इवेंट करते हैं तो स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिसको बोलना है वो बोलेंगे। अब जब वर्चुअल करते हैं तो वर्चुअल में दिक्कत आती है, स्क्रिप्ट बड़ी कौन वो होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट की जो टीम थी रीडिफाइन की, उन्होंने स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा काम किया। दूसरी चीज़ आती है, जो हमने तो चलो काम किया ही है, लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो भी एक बड़ा टास्क था हमारा इसमें, क्योंकि हम लोग दिल्ली में नहीं हैं। हम लोग कभी पुणे हैं, कभी मुंबई हैं, कभी बेंगलुरु है, कभी अहमदाबाद हैं। तो हमारे लिए ये था कि डाटा तुरंत ट्रांसफ़र हो। डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद एडिटिंग का काम हमारी, हम जब ऑफिस ना हो तब भी करते रहे। तो हमारी एडिटिंग टीम जो है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हम लोग सामने नहीं हैं, उनके पास नहीं है, तो बहुत अच्छा काम किया। तो कोई भी काम जो होता है वो टीम वर्क होता है, और मुझे लगता है रीडिफाइनिंग और उनकी टीम और मिहाई फिल्म जो हमारी जो टीम है जो कैमरे के पीछे काम करती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ये इवेंट बहुत अच्छा हुआ है हमारा।